उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल में इन दिनों अनियमित यात्राओं को रोकने हेतु एक स्पेशल टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसको रेलवे ने ऑपरेशन ऑल आउट का नाम दिया। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आज सुबह से लेकर शाम तक दर्जनों यात्री ट्रेनों को चेक किया गया, वहां चेकिंग अभियान चलाया गया। इस ऑपरेशन ऑल आउट के कमान खुद सीनियर DCM रेखा शर्मा के हाथ में रही और इस अभियान में मंडल के सभी 16 CIT DCIT लगभग 75 टिकट चेकिंग स्टाफ के साथ इस अभियान में शामिल किया गया। टिकट चेकिंग के दौरान अनियमित यात्रा के दौरान मास्क न पहनना, ट्रांसफ़र ऑफ टिकट, बिना टिकट यात्रा, बच्चों का टिकट न लेना, बिना फोटो ID के यात्रा करना, वेटिंग टिकट पर यात्रा, निम्न दर्जे के टिकट पर ऊंचे दर्जे में यात्रा करना, बिना बुक लगेज एवं इन बैलेट पास, बिना पास की यात्रा, पुलिस स्टाफ यात्रा करने वाले यात्रियों को चेक किया गया। इस विशेष दिवसीय विशेष टिकट चेकिंग अभियान ऑपरेशन ऑल आउट में लगभग 2215 केस बनाकर 10 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला गया। इसमें बिना मास्क के भी केस शामिल रहे। कल से हम लोगों ने एक स्पेशल टिकट चेकिंग अभियान पूरे मुरादाबाद मंडल में शुरू किया है, जिसका नाम हमने रखा है ऑल आउट ऑपरेशन। इसके तहत हम सभी स्टेशन्स पे, जो हमारे प्रमुख स्टेशन्स हैं, उन पर ट्रेन का जो है चेक करा रहे हैं, और इसमें जो भी अनऑथराइज्ड पैसेंजर्स हमारे पाए जा रहे हैं उनको हम पेनल्टी कर रहे हैं। कल जो हमारा अभियान चला उसमें हमें बहुत अच्छी सफलता मिली। इसमें 10,75,000 के आसपास जो है जुर्माना वसूला गया और 2200 केसेस बनाए गए। चेकिंग अभियान हमारा लगातार चल रहा है। जून माह में हमने जो है 1,91,00,000 जुर्माना वसूला, और इसको देखते हुए हम लोग जुलाई में भी इसको निरंतर चलाएंगे। लेकिन हम बीच बीच में इसको गति प्रदान करने के लिए और स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए इन अभियानों को एक स्पेशल नाम दे देते हैं। जैसे पिछले माह हमने 10 दिन का अभियान चलाया जिसको चक्रव्यूह ऑपरेशन का नाम दिया, इसी तरीके से इस माह हम जो विशेष अभियान चला रहे हैं 10 दिन का, उसको हमने नाम दिया ऑल आउट ऑपरेशन। और हम ये चाहते हैं कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से ये सभी पैसेंजर्स और लोगों में ये संदेश जाए कि इस तरह के कार्रवाई की जा रही है रेलवे के द्वारा, इस तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, और जो भी बिना टिकट के पैसेंजर्स पाए जाएंगे उन पर जुर्माना किया जाएगा। सभी स्टेशन्स पे प्रॉपर अनाउंसमेंट हो रही है, रेगुलर अनाउंसमेंट हो रही है, जिसमें हम लोगों का उद्देश्य यही रहता है कि सभी लोगों को जो स्टेशन्स पे आ रहे हैं उन्हें हम ये संदेश दें कि मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। हमारा जो टिकट चेकिंग स्टाफ है जब ट्रेनों के अंदर जाता है और टिकट चेक करते हैं, तो हम साथ में लोगों को ये बोलते हैं कि अपना मास्क लगाएं, और जो नहीं मानता है एक प्री वार्निंग दी जाती है, उसके बाद उस पर फाइन भी किया जाता है। इस अभियान को गति देने के लिए भी हम लोगों ने पीछे जो है एक अनाउंसमेंट का एक नया माध्यम जो है उसको अपनाया। प्लेटफॉर्म पे हमारा टिकट चेकिंग स्टाफ GRP RPF के साथ जो है अनाउंसमेंट, मैनुअल अनाउंसमेंट करते हुए वो प्लेटफॉर्म पर घूमे, और जिसमें उन्होंने लोगों को ये समझाया कि मास्क लगाइए। बार बार अनाउंसमेंट करने के बाद भी यदि कोई मास्क नहीं लगाता है तो उस पर ₹500 का जुर्माना किया जाता है।